स्वराज पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के चलते प्रोग्राम दे विच उनाते हमला होया। दरअसल 40 तो 50 हमलावरां दे वल्लों उनाते उत्ते हमला किया गया। दरअसल तुहानूं दस दईए कि जदों योगेंद्र यादव महाराष्ट्र के अकोला दे विच पहुंचे तो उत्ते भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों नूं संबोधन करना सी। ते जिवें ही उन्होंने माइक फड़िया तो पहला एक व्यक्ति उन्होंने वल नूं वधिया अते उन्होंने कोलों माइक नूं खोलिया, जिस तों बाद एक तों बाद एक करके 20 दे करीब व्यक्ति जदों उस स्टेज दे कोल पहुंचे तो उत्थे दस्सिया जा रहा है कि मौके ते पुलिस ने मोर्चा सांभ लिया अते योगेंद्र यादव नूं अपनी सिक्योरिटी दे विच लै लिया, जिस तों बाद दस्सिया जा रहा है कि लोगों के वल्लों उन्हां दे उत्ते हमला करन दी कोशिश की गई है। 40 तों 50 लोग दस्से जा रहे थे पर बड़ी मुश्किल दे नाल योगेंद्र यादव नूं उत्थों बचाया गया अते सुरक्षित भेज दिता गया। तो दस दिए कि महाराष्ट्र के अकोला दे विच योगेंद्र यादव के उत्ते हमला होया। हालांकि सब तो बाद योगेंद्र यादव के वलों सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो पाई गई है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि जिन्हों के वलों भी यह नीच हरकत की गई है उसका पुलिस के वलों पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हों का 25 साल तो महाराष्ट्र के आना जाना है। तो आए बार उन्होंने वलों उ संबोधन किया जाता है, महाराष्ट्र के लोगों के वलों खूब प्यार मिलता है, पर यह जेड़े भी हमलावर सन इन्हों की पहचान जो है पुलिस के वलों की जानी चाहिए तो इन्हों के खिलाफ बनती कार्रवाई जरूर होनी चाहिए है। तो दस दिए कि योगेंद्र यादव किसान अंदोलन के दौरान भी किसान आगुआ के नाल सी, हुण उन्हां दे वल्लों यह भारत जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। पूरे भारत के थां थां दे उत्ते जाके उन्हां दे वल्लों लोगों नूं संबोधन किया जा रहा है। तो इसी तहत जो हुण महाराष्ट्र के विधानसभा चोणां होणियां ने ते उत्थे पहुंचे सी, जिवें ही लोगों नूं संबोधन करन लगे तो उन्हां दा विरोध शुरू होया ते कई लोगों के वल्लों मिल के उन्हां ते हमला कर दिता गया, जिसकी वीडियो हुण सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा तेजी नाल वायरल भी हो रही है।